हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर विशाल और आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ओएसटी की ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। खास करके यह वीडियो फ्रेशर्स के लिए है जिनको अभी नया नया ज्वाइन करना है जल जीवन मिशन को या जल निगम को, तो उनके लिए ड्राइंग रीड करना और उसके बीबीएस को जानना और मटेरियल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये खास करके फ्रेशर्स के लोगों के लिए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक ओएसटी की ड्राइंग है जो कि 450 केएल की है। अभी मैं आपको एक एक करके मैं सारा डिटेल बताते हुए चला जाऊंगा। तो हम लोग ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सेक्शनल एलिवेशन दिया हुआ है ओएसटी का, तो जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हुई हैं। मैं शुरू से आपको नीचे से यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पिलर, और ये आपका जीएल लेवल दिया हुआ है। चलिए मैं इसके लिए अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ हाईलाइट के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉम्पैक्टेड अर्थ दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा यहीं से जीएल है और इसी के नीचे अपनी डेप्थ जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। जीएल के जस्ट ऊपर अपना एक 500 mm का ब्रेस दिया हुआ है, एक ब्रेस, दो ब्रेस, फिर दूसरा ब्रेस अपना 4300 mm 4300 mm ऊपर है, और वो भी 500 mm उसका जो है डेप्थ है, विड्थ उसका जो है आगे के सेक्शन में हम देखेंगे ब्रेस के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कावर वाल्व, लेकिन स्कावर वाल्व जो हमारा नीचे लगेगा, और वाटर लेवल इंडिकेटर भी फिक्स करना है। ये ब्रेस जो है सारा ब्रेस अपना सेम डिस्टेंस पर है, 4300 mm जो है दिया हुआ है सबका। और आप ऊपर ये देख सकते हैं इसका डाया जो है, इनर डाया 11100 mm है, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, स्कॉर पाइप, और अपना जो है ये ग्रेटिंग दिया हुआ सीआई पाइप का, ये ओवरफ्लो पाइप यहाँ पर मेंशन है। फ्री बोर्ड हम इसमें 500 mm का छोड़ेंगे, ये एरिया अपना फ्री बोर्ड होगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 square mm कटआउट दिया हुआ है लेवल इंडिकेटर के लिए, 2 mm डाया कटआउट पर लेवल। ट्रांसमीटर भी यहाँ पर ऐड होगा। लाइटनिंग अरेस्टर, यहाँ पर लाइटनिंग, जैसा कि आप जानते हैं सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग एक लाइटनिंग इंडिकेटर लगाते हैं, ताकि जो लाइटनिंग अरेस्टर ताकि जो है कि बिजली का प्रभाव जो है हमारी इमारत पर या बिल्डिंग पर या किसी भी जो है नवीन कंस्ट्रक्शन संरचना पर ना पड़े, इससे लाइटनिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो जो है सीधे अर्थ में जाके जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये आप लैडर यहाँ पर देख सकते हैं, बालकनी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं आपका प्लान से। अभी जो है सबसे पहले जो है पीसीसी हम लोग स्टार्ट करेंगे। पीसीसी के लिए हम लोग, आप नीचे देख सकते हैं, ये आपका जो है फुटिंग लेआउट प्लान दिया हुआ है आपका जो है। ये 8 कॉलम दिया हुआ है, 400 mm डाया, सारे कॉलम का डाया 400 होगा, और जो है 8000 mm सीसी डाया सर्किल का जो है आपका जो है वो बनेगा 8000 डाया, 5200 इनर है 5200 mm, और जो है आउटर जो है आपका 8000 डाया यहाँ पर। और आपकी पीसीसी जो होगी वो देखिए आप यहाँ बाहर तक जो है दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको आउटर डायमीटर जो है आपको 10400 mm का मिलेगा, फिर आपका सेंटर टू सेंटर कॉलम के सेंटर से लेके जो है सेंटर तक 8000 mm डाया मिलेगा। और फिर इधर आप देखिए तो आपको इनर डाया जो है जहाँ पर हम लोग राफ्ट को छोड़ेंगे, जहाँ पर कर्व बन के छूटेगा, वो अपना 5200 mm डाया हुआ, और वहाँ से अपना ये 2600 इनर डाया रिंग डाया है, 1100 जो है वो राफ्ट का है। ये आपका 600 mm का यहाँ पर रिंग फाउंडेशन बीम पड़ेगी। यहीं से आप देख सकते हैं कि कॉलम 500 यहाँ पर 400 mm डाया है, यहाँ पर 500, तो हम लोग 500 mm में कंसीडर करेंगे। और 16 mm की 8 नंबर बार है 16 mm, और 8 तार का 70 mm सेंटर टू सेंटर जो है, और
200 mm सेंटर टू सेंटर जो है रिंग रिंग है, जो रिंग हम लोग स्टिरअप प्रोवाइड करेंगे कॉलम में, वो अपनी जो है एक लैपिंग जोन होती है जो पास पास होता है। ये देखिए आप जॉइंट के पास में जो है 725 mm हाइट तक जो है हम 70 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करेंगे 8 mm का रिंग। और जो है उसके बाद जो एरिया अपनी बस्ती है उसमें जो है लास्ट जॉइंट तक जो जाएंगे वहाँ पर फिर हम लोग जो है 200 mm सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस रखेंगे। ये अपनी बात हो गई अभी कॉलम की। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फुटिंग में। फुटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है PCC M15 का है 150 mm का, और यहाँ पर यल जो है 300 mm दिया हुआ है। वैसे यल हम लोग कंसीडर करेंगे 450 mm, कुछ चीज़ें खुद से कंसीडर करनी पड़ती हैं, जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आइए हम लोग सीधा जो है अपने फुटिंग डिटेल की तरफ चलते हैं। रिंग बीम डाया जहाँ पर दिया हुआ है, रिंग बीम फाउंडेशन रिंग बीम के बारे में दिया हुआ होगा, तो जैसा कि हम लोग देख पाएंगे आगे चल के जो है ये अपनी फुटिंग फुटिंग डिस्टेंस जो है आपको दिया हुआ है। देखिए 5200 इनर डाया हुआ है और सेंटर टू सेंटर एक कॉलम से दूसरे सेंटर डायमेट्रिकली रूप से देखा जाए तो 8000 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखने को मिलेगा। इस एलिवेशन राफ्ट फाउंडेशन के एलिवेशन पार्ट से जो आप इजीली समझ सकते हैं कि जो है आपको GLC डेप्थ आपको 3 मीटर जाना है, और जो आपका कॉलम के पास में जो राफ्ट बनेगा उसका फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन बनेगा उसका जो है ट्रेपेजॉइडल शेप रहेगा, जो उसकी हाइट होगी सेंटर में हाइट 550 mm और कॉर्नर पर 275 mm होगा। इसके ये आगे अपना डिटेल आप फाउंडेशन रिंग बीम 600 × 800 mm, मतलब इसका जो है चौड़ाई वो 600 mm है और उसकी जो डेप्थ है वो 800 mm है। इसमें अब आप BBS देखेंगे तो इसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए इसमें BBS आप देखने के लिए इसको इसके सेक्शन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो सेक्शन काटा हुआ ड्राइंग में, एक 3-3 सेक्शन है और दूसरा 4-4 सेक्शन है। 3-3 सेक्शन हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पर आप इजिली देख सकते हैं 16 mm का 3 नंबर ऑफ बार जो है ऊपर में हम लोग प्रोवाइड करेंगे कंप्रेशन जोन में, और टेंशन जोन में जो है हम लोग नीचे जो है आप ये देख सकते हैं 12 mm का जो है 3×2 मतलब 3 दोनों साइड में, इस साइड में जो है 12 mm का प्रोवाइड करेंगे बार, और 10 mm का रिंग इसमें टू लेग प्रोवाइड करेंगे 120 सेंटर टू सेंटर, और जो है 16 mm का 3 बार जो है वो अपना नीचे होगा बिल्कुल बॉटम में प्लेस करेंगे, और एक्स्ट्रा बार भी उसमें प्रोवाइड करेंगे 16 mm का 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सेक्शन में यहाँ सॉरी डिटेल फाउंडेशन रिंग भी में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ये आपका ये 1000 mm तक मतलब सेंटर से 1000 mm तक जो है वो आपका एक्स्ट्रा बार जाएगा दोनों साइड में, मतलब 1000 आप मिला के 2000 आपको ले जाना पड़ेगा सेंटर से दोनों साइड में 1000 करके एक्स्ट्रा बार जो आप 16 mm का प्रोवाइड करेंगे। और सेक्शन टू में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 10 mm का 130 सेंटर टू सेंटर आपको इसका जो फाउंडेशन बनेगा राफ्ट फाउंडेशन उसमें जो है ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और मेन बार आपका जो है 12 mm का 140 mm सेंटर टू सेंटर 194 नंबर में संख्या दिया हुआ है इसका मेजर डेट आउटर फेस ऑफ बीम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राफ्ट 275 mm कॉर्नर थिकनेस और 550 mm जो है आपको सेंटर में थिकनेस दिया हुआ है। ये ट्रेपेजॉइडल शेप बनेगा, ट्रेपेजॉइडल शेप का जो है स्ट्रक्चर लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो अन्य के मुकाबले ज़्यादा बेटर होता है, ये अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में ज़्यादा मदद करता है। यह आप सेक्शन 4-4 देख सकते हैं यहाँ पर 16 mm का 3 नंबर, ऐसे बीच से जब हम काटेंगे इसको तो हमको जो वो दिखेगा उसमें आपको 3 16 mm का बार एक्स्ट्रा में दिखेगा और 3 जो है बॉटम में शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है 3-3 और 4-4 सेक्शन सॉरी
4:4 सेक्शन लगभग लगभग सेम ही दिखेगा आपको। यहाँ पर एक्स्ट्रा बार नहीं शो हो रहा है, ये देखिए आपको केवल जो है 3 जो है वो बॉटम बार जो प्लेस की हुई है वही शो हो रहा है, और 12 mm ये आपको सेक्शन 3-3 में भी शो हो रहा है। 10 mm का टू लेग 100, यहाँ आप जो है डिस्टेंस देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला एरिया है एक्स्ट्रा बार जहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर जो आपको जो रिंग प्लेस हुई है स्टिरअप वो 120 mm सेंटर टू सेंटर है, जबकि यहाँ पर जो रिंग प्रोवाइड की जा रही है वो 180 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर 16 mm दो एक्स्ट्रा बार और 16 mm का 3 एक्स्ट्रा बार है, ये आप देख सकते हैं वेरीफाइड हुआ है टीम लीडर TUV SUD SQC इंदौर और MP जल निगम PIO इंदौर के द्वारा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको ऐसा डिटेल ऑफ फाउंडेशन स्लैब ऐसा शो होगा, 2600 mm इसका जो है डिस्टेंस विड्थ होगा चौड़ाई, और 10 mm ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm का है और मेन बार इसमें जो प्रोवाइड होगा वो 12 mm का है। अब हम लोग ये फाउंडेशन रैप फाउंडेशन और फाउंडेशन रिंग बीम कॉलम के बारे में जानने के बाद हम लोग सीधा ब्रेस पर आ जाएंगे। ब्रेस 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 का जो है इसमें भी एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करेंगे वो 800 mm सेंटर से नहीं एक्सटीरियर से है, तो सेंटर से आपका जो है 250 और ऐड हो जाएगा 1050 mm तक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड इसमें भी। तो इसका सेक्शन हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर भी दो सेक्शन कटा हुआ है, एक दो दो सेक्शन और 1-1 करके सेक्शन है, तो सेक्शन 1-1 इधर दिया हुआ है जो कि इसमें आप देख पा रहे हैं 16 mm का टू रॉड जो है बिल्कुल नीचे कंप्रेशन टेंशन जोन में प्रोवाइड किया गया है और 16 mm का टू रॉड ही एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है, और इसका डेप्थ जो है वो 500 mm है और विड्थ जो है 250 mm है। तो सिमिलरली 16 mm का दो रॉड जो है आपके ऊपर में कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ ऊपर कंप्रेशन जोन में भी आपको जो है 16 mm का टू रॉड प्रोवाइड किया गया है जो कि आपका जो है 1050 mm तक दोनों साइड में प्लेस होगा। कुल मिला जुला के आपका जो BVS उसका बार कटिंग होगा वो 2100 mm होगा, मतलब 2100 mm, और ये आपको 8 mm का जो है स्टिरअप प्रोवाइड करना है 85 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपको जो है ये कॉलम के पास से इधर लैपिंग जोन इधर इधर ही आपको जो है प्रोवाइड करना है 85 mm पर। उसके बाद आप सेक्शन 2-2 में जब देखेंगे यहाँ पर तो आपको जो वो स्टिरअप प्रोवाइड करना है वो 170 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब आप देखेंगे इसके बाद आपको मैं ऊपर दिखा दूं जो है यहाँ से आप समझ पाएंगे ये वाला पार्ट यहाँ पर आप जब प्रोवाइड करेंगे वो आपका 170 mm सेंटर टू सेंटर होगा। सेंटर टू सेंटर होगा डन। अभी ब्रेस की बात हम लोग कर लिए हैं, सेम ब्रेस सारे ब्रेसों में यही होगा जो आप ब्रेस देख रहे होंगे 1 से लेके 4 और सारे ब्रेस में जो है जैसे ब्रेस 1 ब्रेस 2 ब्रेस 3 ब्रेस 4 चारों ब्रेस में जो है हम सेम BVS रखने वाले हैं। अभी BVS ब्रेस के BVS देखने के बाद हम लोग जो है सीधा जो है अभी रिंग बीम पे चले जाएंगे। रिंग बीम का सेक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ डिटेल ऑफ रिंग बीम ओवर कॉलम, मतलब आपका जो है ऊपरी हिस्से में बॉटम डोम के नीचे जो रिंग बीम बनती है उसका सेक्शन दिया हुआ है, उसका BVS आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको भी हम लोग इसका भी सेक्शन कटा हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं सेक्शन एट मिड स्पैन रिंग बीम ओवर कॉलम, मतलब पूरे कॉलम जो पूरी रिंग बीम है उसका सेक्शन जो है वो कट हुआ है। आप देख सकते हैं 16 mm का 4 रॉड जो है ऊपर दिया हुआ है, उसकी डेप्थ 800 mm है, उसका विड्थ जो है वो 400 mm है। रिंग बीम आप ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको, ये अपना रिंग बीम है, ये पोर्शन आपका रिंग बीम है, ये पूरा गोल में सर्कुलर सर्कुलर रिंग बीम इसको बोलते हैं, पूरा सर्कुलर रूप में बना हुआ होगा। और आपका 10 mm का टू लेग जो है 200 mm सेंटर टू सेंटर आपका ये इसमें रिंग स्ट्रप होगा,
और जो है ये देखिए आप यहाँ पर 12 mm का दो बार जो है दोनों फेस में, इस फेस में प्रोवाइड होगा, इधर और इधर बीच में। और इधर आप देख सकते हैं 16 mm का, सॉरी थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं अभी। चलिए इधर आप देखिए टेंशन जोन में जो है हमारा 16 mm का रॉड 3 प्लेस होगा नीचे। इसको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको जो है। ये देखिए अभी तीन तीन रॉड जो है नीचे, और बिल्कुल उसके ऊपर जो है दो एक्स्ट्रा बार अपना जो है, ये देखिए आप एक्स्ट्रा बार आपका जो है 2550 mm दिया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको जो रखनी है वो 1000, सॉरी हाँ, ये जो डिस्टेंस रखना है आपको आओ 800 mm एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड में, 800 800 mm, मतलब 250 से 1050 mm वन साइड सेंटर से, दोनों साइड मिला के 2100 mm का रॉड कट होगा। इसके बाद अपना सर्कुलर रिंग बीम हो जाता है। सर्कुलर रिंग बीम होने के बाद जो है अभी हम सीधा जो है इसके ऊपर, हाँ साथ ही साथ में आपको जो है ये स्टेयर का भी ध्यान रखना है। स्टेयर के लिए रॉड आप सारे कॉलम में सेम डिस्टेंस में छोड़ते हुए चले जाएंगे। ये इसका काम हम लोग ऑलरेडी बाद में ही करते हैं वैसे सारी जगहों पर, अभी स्टेजिंग का काम ही स्टार्ट हो जाता है इधर जो है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे थोड़ा इसको भी स्टेयर का पोर्शन। स्टेयर में आप देखेंगे 10 mm का जो है, 8 mm, 10 mm का रॉड 8 डालना है। ये आपका बीम बनेगा इधर जो है, LB1 दिया हुआ है, लोअर बीम B1 करके ये पोस्ट दिया हुआ है। ये 1150 mm डिस्टेंस, मतलब ओवरलैपिंग, मतलब डबल जाली में बंधेगा। तो अभी मैं इसको बाद में थोड़ा बताऊंगा, अभी चलिए ये थोड़ा बाद में इसको बताऊंगा मैं, अभी आपको जो है ऊपर ये पोर्शन बता देता हूँ। ये सर्कुलर रिंग बीम के बाद बॉटम डोम की बारी आती है, बॉटम डोम और कोनिकल वाल, साथ ही साथ गैलरी, तीनों का रॉड जो है एक ही बार में कट होता है और एक ही बार में रिंग बीम में ही हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसको आप देखेंगे, ये देखिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 mm का रॉड जो है ये आपको बिल्कुल रिंग बीम में नीचे तक डालना है। और आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 mm का 7 नंबर है, ऊपर ऊपर के साइड में सर्कुलर और नीचे के साइड में भी, मतलब इसको हुप्स बार भी हम लोग बोलते हैं, सर्कुलर बार या हुप्स बार। ये 12 mm रॉड ऊपर की साइड में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है, और 200 mm सेंटर टू सेंटर रेडिकली जो है ये पड़ेगा अपना। और 10 mm का जो है 7 नंबर हुप्स रिंग्स जो है वो नीचे के साइड में डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पड़ेगा। और आप ये देख सकते हैं 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर बिटवीन, और इस फेस में जो है दोनों साइड में, बाकी जो है सारा बोथ 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 वे, मतलब कि आप जो है ऐसे मैं बताना चाहूँगा आपको डायग्राम के थ्रू। चलिए एक मिनट मैं इधर कलर चूज कर लेता हूँ। ये देखिए इसकी थिकनेस थोड़ा कम, ये बोथ वे का मतलब आप इधर इधर और इधर इधर ऐसे प्रोवाइड करेंगे। चलिए अभी इसको मैं इरेज कर लिया हूँ, अभी मैं आपको आगे और कॉनिकल वाल के बारे में आप देख सकेंगे। कॉनिकल वाल के लिए आपको जो 12 mm का 110 mm सेंटर टू सेंटर हुप्स बार मतलब सर्कुलर बार, एज ए डिस्ट्रीब्यूशन बार आप उसको समझ सकते हैं। और 18 नंबर इस फेस, मतलब कि दोनों फेस में नीचे वाले बॉटम और टॉप दोनों साइड में जो हुप्स आपका सर्कुलर बार होगा वो 12 mm का होगा। इसका जो थिकनेस होगा वो 200 mm होगा आप देख सकते हैं, और इसका बॉटम का इसका 250 mm यहाँ बीम के जॉइंट के पास में होगा, और इसके आगे 200 mm आपका होगा। इसको आप देख सकते हैं 12 mm रेडियल बार, रेडियल बार मतलब कि जो ये वाली बार है ये आप, मैं इसको बताता हूँ थोड़ा इरेज करके। ये आप देखिए ये आपका रेडियल बार हो गई, ये वाली बार, ये बार जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है ये रेडियल बार हो गई। और इसके ऊपर जो आपका ये छोटा छोटा दिख रहा है यही सर्कुलर बार है, जो आपको
मतलब 18 नंबर दोनों फेस में डालना है। और गैलरी में आप देखेंगे, गैलरी आपकी जो है वो 1000 mm का है, जिसकी विड्थ जो है वो 150 mm है। इसमें 16 mm का 10 नंबर हुप्स डालना है। आप देख सकेंगे 10 mm का 10 नंबर हुप्स डालना है आपको, 16 mm का जो है। और इसके ऊपर ही आपका जो है 4300 mm का ये आपका वाल, कोनिकल वाल, कोनिकल वाल के ऊपर आपको जो है मिलेगा ये आपका, ये होता है आपका जो है, इसको आप बोलेंगे, इसको आप OST का वाल बोलते हैं। OST वाल मतलब फर्स्ट लिफ्ट, सेकंड लिफ्ट, थर्ड लिफ्ट, ऐसे करके हम लोग इसको डालते हैं। क्योंकि अपना शटरिंग का मटेरियल वो फर्मा जो होता है वो 1 ही मीटर का होता है, तो हम लोग इसको लिफ्ट वाइज डालते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 टाइप से रॉड को प्रोवाइड करना। जैसे एक वन रॉड 1320 mm पर जाएगा, इसमें जो है आपका डिफ्रेंशिएट किया हुआ 12 mm का रॉड 110 mm सेंटर टू सेंटर पर 12 नंबर दोनों साइड में डालना है। और आपको 10 mm का जो है 110 mm सेंटर टू सेंटर करके 10 नंबर ईच फेस, ये 1100 वाली हाइट में डालना है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। और आपको मेन बार आप देखेंगे अभी जो है आपको शो होगा 10 mm, नहीं ये 12 mm का ही है, और इसके ऊपर जो है 10 mm है, फिर उसके ऊपर 10 है, बाकी फिर 10 है, और ऊपर जाके आपका एक रिंग बीम बनता है फिर उसी वाल में जो है। वाल का थिकनेस आपको 200 दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। ऐसे आप देखेंगे तो सारी चीज़ें, या और इधर आपको फ्री बोर्ड तो चीज़ आपको बाद में देखना। ये फिर आपको जो सर्कुलर हुप्स बनाना है उसका डिस्टेंस आप देखेंगे 1487 mm दिया हुआ है, और इसके ऊपर जो आप 600 mm जो है मॉस्किटो नेट लगाने के लिए बनाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट का आवागमन उसमें होता रहे वाटर में, ताकि जो कीड़े वगैरह ना पड़े इसमें। अभी ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये ड्राइंग बता दिया है। बाकी आपको इसके आगे जो ना समझ में आए, जैसे स्टेयर है, स्टेयर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे आपको जो ना समझ, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं रेलिंग वगैरह के बारे में, पेंटिंग के बारे में, जो भी हो।